दोस्तों नमस्कार। क्या अब आपको श्वास लेना भी सिखाया जाएगा? आज की इस वीडियो के टाइटल को आप देखकर यही सोच रहे होंगे कि क्या अब हमें श्वास लेना भी सिखाया जाएगा। लेकिन दोस्तों वास्तव में हम श्वास लेना भूल गए हैं। हमारी आधुनिक जीवन शैली, जिस ढंग से हमारे भीतर क्रोध, चिड़चिड़ापन, हमारे भीतर ईर्ष्या, हमारे भीतर लोभ, हमारे भीतर अन्य चीज़ें बढ़ रही हैं और यह श्वास बहुत उथली होती चली जा रही है। आधुनिक व्यक्ति छाती तक ही श्वास ले रहा है। तो क्या है श्वास लेने की सही विधि? वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको श्वास लेने की सही विधि, एक ऐसा प्राणायाम, साथ में श्वास की ऐसी विधि बताएंगे जिससे आप आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। क्या है वह विधि? उस विधि को जानने से पहले हम प्राणायाम को समझते हैं। प्राणायाम में कुछ शब्दों का उपयोग किया जाता है जिसमें को लेकर लोगों में भ्रम रहता है कि यह वास्तव में चीज है क्या, और आज हम आपको उन्हीं शब्दों की व्याख्या करने जा रहे हैं कि प्राणायाम में अगर वह शब्द उपयोग किए गए हैं तो उन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है। प्राणायाम में जब भी कोई प्राणायाम विधि बताता है तब आपको पूरक, रेचक और कुंभक शब्द का उपयोग किया जाता है। अब यह पूरक, रेचक और कुंभक है क्या? दरअसल यह श्वास लेने की विधि, श्वास छोड़ने की विधि और श्वास को जो रोकने की विधि है उसको एक शब्द दिया गया है, पूरक, जहां पर पूरक का अर्थ होता है श्वास लेना। कुंभक, कुंभक का अर्थ होता है श्वास लेकर रोकना या श्वास छोड़कर रोकना। इस आधार पर इसके दो नाम हैं, एक बाह्य कुंभक और एक आंतरिक कुंभक। जब श्वास लेकर उसे रोका जाता है तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं और जब श्वास छोड़कर रुका जाता है तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। और अंतिम है रेचक, रेचक यानी श्वास को छोड़ना। तो यह शब्दों के अर्थ, पूरक यानि श्वास लेना, कुंभक यानि श्वास लेकर या श्वास छोड़कर जो रुकने की स्थिति होती है उसे कुंभक कहते हैं और जब श्वास छोड़ा जाता है तो उसे रेचक कहा जाता है। श्वास लेने की जो सही विधि है वह मैं आज आपको बताने जा रहा है। आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, कोई प्राकृतिक जगह पे जाते हैं, कोई पहाड़ी एरिया पे जाते हैं, कैसे आपकी श्वास लंबी और गहरी हो जाती है? अब वह उस जगह के कारण नहीं होता है, आप वहाँ पर आनंद महसूस करते हैं। तो जो भी स्थिति आपको आनंद देती है वहाँ पर आपकी श्वास लंबी और गहरी हो जाती है। एक कछुआ एक मिनट में बहुत कम बार श्वास लेता है। जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार वह 3 से 4 बार ही एक मिनट में श्वास लेता है। वहीं एक मच्छर एक मिनट में कई बार श्वास ले लेता है, शायद हजारों बार। और एक मच्छर की आयु 3 दिन की होती है तो वहीं कछुआ 300 साल जीता है। अर्थात आपका श्वास जितना लंबा और गहरा होगा आपका श्वास उतना ही बढ़िया होता चला जाएगा। मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूं जहां पर आपने जाना कि पूरक, रेचक और कुंभक क्या होता है। एक विधि का उपयोग करिए और इस विधि का उपयोग आपको दिन भर नहीं करना है, कोई भी एक समय निकाल लीजिए और उस विधि का उपयोग करिए, श्वास लीजिए। अब जितनी गिनती में आपने श्वास लिया, जैसे आपने श्वास लेना चालू किया 1 2, अब उससे 3 गुना ज़्यादा यानी 1 2 3 4 5 और 6 गिनती तक श्वास को रोके रहिए। अब जितनी देर में आपने श्वास लिया था 1 और 2 गिनती में, अब आपको उसके दुगने अर्थात 1 2 3 और 4 गिनती तक उस श्वास को छोड़ना है। यह 10 से 15 मिनट जहाँ भी आप बैठे हों, आप बस में बैठे हों, सफ़र में बैठे हों, कार में बैठे हों, खाली बैठे हों, इस विधि का प्रयोग दिन में 1-2 बार कर लीजिए। इससे आपकी श्वास बहुत गहरी हो जाएगी, आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब आप श्वास लेते हैं और उसे रोकते हैं 3 गुनी समय तक, तब वह ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में फैलता है। फिर जब उसी श्वास को आप धीमी गति से छोड़ते हैं तो जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है उसमें अच्छा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर शरीर में आती है, प्राणवायु पूरे शरीर में फैलता है। इस विधि का उपयोग करिए। इस विधि का उपयोग, ध्यान रखिएगा, दिन भर आपको नहीं करना है। मैं आपको दिन भर प्रयोग करने वाली भी एक विधि बताता हूँ। जिस तरह आप हिल स्टेशन पर गए, प्राकृतिक जगह पर गए और आपने वहाँ पर एक आनंद वाला श्वास लिया, अब वही श्वास आपको दिन भर लेना है। आप घर के काम कर रहे हों, आप ऑफिस के काम कर रहे हों, आप दुकान पर बैठे हों, आप कोई बिजनेस कर रहे हों, आप गाड़ी चला रहे हों, आप कोई भी काम कर रहे हों, याद कर करके लंबी और गहरी श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। यह लंबी
श्वास की जो प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, यह आपको इतने स्वास्थ्य के लाभ देगी, आप चौंक जाएंगे कि यह इतने लाभ दे रही है। इस प्रकार की श्वसन विधि से आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर तो बढ़िया होता ही होता है, यह मोटापा कभी नहीं आने देगा, और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा कम होता चला जाएगा। क्योंकि आपको शायद नहीं मालूम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की प्रक्रिया में शरीर फैट का उपयोग करता है। तो जब आप इस तरह की श्वसन विधि करेंगे या इससे पहले जो मैंने विधि बताई थी उस विधि का उपयोग करते हैं, तब आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जिसके सारी क्रियाओं के लिए आपको फैट की जरूरत पड़ती है। अब शरीर उस फैट का उपयोग आपके शरीर से करता है। तो इस विधि का उपयोग करिए, आपका मोटापा भी कम होगा, शरीर के सभी अंग कोशिकाएं, आपके सेल्स सब मजबूत होते जाएंगे, शरीर के सभी आंतरिक अंग बहुत अच्छे होते जाएंगे, आपके फेफड़े के सारे प्रकोष्ठ खुल जाएंगे, यह सारा लाभ आपको मिलता जाएगा। शरीर के हर अंग में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, प्राणवायु आपके पूरे शरीर में बहुत अच्छे ढंग से प्रसारित होगी। इस विधि का उपयोग करिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाते जाइए। तो आपने इस वीडियो में समझा कि पूरक क्या है, रेचक क्या है, कुंभक क्या है, और कैसी श्वसन विधि करें हम जिससे हमको लाभ मिले। आपको वीडियो से पहले मैंने बताया था कि क्या अब हम आपको श्वसन विधि भी बताएंगे? नहीं, आपको वह आता है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के कारण आपके भीतर क्रोध, चिड़चिड़ापन, आप ऐसे बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं। मैं आपको वह भी बताता हूँ, उस राज को समझिएगा, और उस राज को आप समझ गए तब आपकी श्वसन बहुत गहरी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और उसके कई लाभ आपको मिलेंगे। जब आप प्राकृतिक स्थल पर होते हैं, जब आप प्रेम के क्षणों में होते हैं, जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं और जीवन में शुभ काम कर रहे होते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तब आप अपने श्वसन को ध्यान दीजिए, वह आनंदमयी हो जाती है, वह लंबी और गहरी हो जाती है। लेकिन जब आप क्रोध में होते हैं, जब आप हिंसक दृश्य देख रहे होते हैं, जब आप अश्लीलता से भरा दृश्य देख रहे होते हैं, या ऐसा साहित्य पढ़ रहे होते हैं, या वासनामयी जीवन जीते हैं, आप चिड़चिड़ाहट में रहते हैं, आप छोटी छोटी क्षुद्र चीज़ों में परेशान होते हैं, तब आप अपने श्वसन को ध्यान दीजिएगा, वह बहुत छोटी हो जाती है, वह छाती तक ही कहीं आती जाती महसूस होती है। तब यह श्वसन विधि आपको वह लाभ देती है। लेकिन वह श्वसन विधि भी आप तब सापेक्ष रूप से आपको लाभ देगा जब आपका जीवन स्तर भी उस तरह का होगा। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए, अपने आप को एक शुद्ध चरित्र वाला व्यक्ति बनाइए, शुभ काम करिए, शुभ विचार रखिए, ऐसी चीज़ों से जहाँ से आपके शरीर में दोष आए, आपका सांस उखड़ जाए, उन चीज़ों से दूर हो जाइए। जब भी आप ये ऐसे बुरे कृत्य करते हैं, बुरे काम करते हैं, चरित्रहीनता वाले काम करते हैं, आपकी सांस उखड़ी उखड़ी हो जाती है, जिसका सापेक्ष रूप से तुरंत नुकसान आपके सभी अंगों को, सभी कोशिकाओं को मिलता है। तब एक शुद्ध चरित्र रखिए, आनंदमयी जीवन बिताइए, आपके जीवन में प्रेम उपलब्ध है तो उस प्रेम के लिए समर्पित हो जाइए। प्रेम में भरा हुआ व्यक्ति के चारों ओर एक कवच बन जाता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है या सच्ची भक्ति में होता है, तब उसके ऊपर एक ऐसा कवच होता है जहाँ पर क्रोध, चिड़चिड़ापन, इस तरह के लोभ, ईर्ष्या आपको नहीं घेर सकते। तो ऐसे किसी कवच का इस्तेमाल करिए, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, भक्ति आ सकती है, किसी के भक्त बन सकते हैं, वह ईश्वर भी हो सकता है, वह किताबें हो सकती हैं, कोई पुरुष हो सकता है, वह आसपास के कोई सद्गुरु हो सकते हैं। उनका चुनाव सावधानी पूर्वक करिए, या फिर अपने जीवन को अपने सपनों के प्रति लगाइए और अच्छे काम करने में भिड़ जाइए। तब देखिए आपकी श्वसन लंबी और गहरी होगी और आपको तमाम स्वास्थ्य लाभ मिलते चले जाएंगे। जब आप बुरे काम करते हैं, तब आपके शरीर में, मैंने कई वीडियो में बताया है, मेडिकल साइंस की जो रिपोर्ट आई है, जब भी आप कुछ खराब चीज़ें करते हैं, आपके शरीर में बैड हार्मोन बनते हैं। चाहे वह आप अखबार का कोई समाचार पढ़ें, आप न्यूज़ चैनल में कोई समाचार देखें, युद्ध के समाचार देखें, आप क्योंकि इन सब चीज़ों में अपनी TRP को बढ़ाने के लिए यही सब चीज़ें दिखाया जाता है, ताकि लोग चिपके रहें और आपको उसकी आदत लग जाती है। इन सब दृश्यों को जब आप देखते हैं, अश्लीलता भरा वाला दृश्य देखते हैं, हिंसक दृश्य देखते हैं, हिंसक चलचित्र देखते हैं, तब वह आपके शरीर के, आपके श्वासों को उखाड़ देता है, आपके श्वासों को बहुत छोटा बना देता है, जिसके नुकसान आपके स्वास्थ्य को मिलते हैं। तुरंत आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यही गलती बार बार होती रहे, बार बार होती रहे, तब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसके भीतर ना कोई सहनशीलता होगी, वह सर्दी से भी तो परेशान रहेगा, वह गर्मी से भी परेशान रहेगा, वह बारिश से भी परेशान रहेगा, उसे लोगों की बोली पसंद नहीं आएगी, उसे लोग पसंद नहीं आएंगे, वह हर चीज़ में खोट ही निकालता रहेगा। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं?
तो श्वसन की विधि को सीख लीजिए। मैं आपको यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ, जो चीज़ मैंने जाना उसका मैंने प्रयोग किया और एज ए जस्ट पोस्ट मास्टर चिट्ठी आती है और आप तक पहुँचाया जाता है। जो चीज़ मैंने जाना और जिसका प्रयोग मैं विगत कई वर्षों से कर रहा हूँ, बस मैं उसे आपको देना चाहता हूँ। आप इस विधियों का प्रयोग करके देखिए, करके देखिए, फिर मेरी बात आपको जचती है नहीं जचती है उस पर छोड़ दीजिए। जचती है तो उसे जीवन भर के लिए अपना लीजिए। फिर चाहे कोई भी भड़काने की कोशिश करे, कोई भी आपको गलत चीज़ कराने की कोशिश करे, उसे ना कहना सीखिए। नहीं जचती है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। किसी अन्य विधि का चुनाव आप करने को बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर जच जाती है तब ना कहना भी सीखें। जब कोई आपके पीछे पड़ता है कि चलो यह हिंसक दृश्य से भरा चलचित्र देख आते हैं, इस तरह का साहित्य पढ़ लेते हैं, समाचार देख लेते हैं, या ऐसी चीज़ें जो आपके भीतर क्रोध, हिंसा उत्पन्न करे, घृणा उत्पन्न करे, नफरत उत्पन्न करे, जात पात में लाए, उसको ना कहना सीखिए या वहाँ से इग्नोर करके निकलिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए नहीं तो बहुत हानिकारक हो सकता है। तो सही ढंग से श्वसन लीजिए, सही ढंग से जीवन जिए, प्रेमपूर्ण जीवन जिए, भक्तिमय जीवन जिए और जीवन को अपने उच्च आदर्श के प्रति समर्पित कर दें।